आप अगर ऑब्जेक्शन है तो आप काले अनाउंस की दो सा कि जो उन्होंने ऊपर एक अपील कमेटी है उन्होंने निर्णय सबने सहमत मिला आपके हाल तो दो स्टेप बाकी है क्यों मैं कहूँ क्यों आप अगर ना तीन अलग है तो है कौन आप सब जज चाहो नहीं तो वो नियम वही है कि आज जो जज कर लिया तो ये घोड़ा है जो विनर रहा है देख सकते हो आप लेकिन अभी इनकी कास नहीं हो गई है वापस इनका जजिंग होगी इनके दोनों के ऊपर फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विनर है लेकिन इस बार जजों ने विनर इसको घोषित कर दिया है देख सकते हो आप रोबिन स्टार जो विनर चुना गया है इस बार आप देख सकते हो पास होने चल रही है स्टार होगा कौन विनर होगा आप देख सकते हो बहुत ही खतरनाक फर्स्ट ये और सेकेंड वो उनका कहना है कि जजिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई है तो वापस की जाए तो आप देख सकते हो उधर कौन सी पोजीशन थी और किस उम्र के अदंत कैटेगरी में था पोजीशन कौन सी थी फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड था फर्स्ट और सेकंड में मतलब आपका घोड़ा कौन सा नंबर पर सेकंड दे दिया सेकंड दिया जी अच्छा आप उससे सेटिस्फाइड नहीं नहीं सर मैं दोबारा करवानी चाहता हूँ आप एक काम करिए मीडिया पब्लिक ओपिनियन करवा लीजिए आप भी तो मीडिया है ना पब्लिक ओपिनियन करवा लीजिए पब्लिक जो कहती है हम मान लेंगे जी जी चलो खड़ी करो पब्लिक को आप पब्लिक ओपिनियन पब्लिक चलो पब्लिक पीछे किसके की पब्लिक पूरी पूरी ठीक है पब्लिक को छोड़ दिया गया है कि जो भी करेगी पब्लिक करेगी आप वीडियो में बने रहे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है आप पीछे हो जाओ कितने जिसके घोड़े लेके आए हैं उसका एक घोड़ा आप बात करेगा मेरे पास सब तीन स्टेलियन है अच्छा मैं यूज कर दीजिए टाइम से ब्रीडर हूं और काफी टाइम से मैं घोड़ों का काम कर रहा हूं मेरे को भी नॉलेज है इतना ही नहीं है कि घोड़ा मेरे को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है मैं इनसे बिना मतलब की बात करता हूं ये भी नहीं मेरे को भी मालूम है कि घोड़ा क्या चीज होती है वो भी मैं जानता हूं पर ऐसा नहीं है कि खाली जज चार जज पांच जज लगा दिए उन्होंने मनमर्जी से काम कर लिया वो भी नहीं चलेगा तो जनता जनार्दन है अगर जनता फैसला देगी वो भी मेरे को मंजूर है सही है ठीक है कि नहीं जनता फैसला करना चाहिए जनता ही फैसला करे इस बात का सही है घोड़ा कौन सा क्या चीज होनी चाहिए जनता को भी मालूम है खाली जजों को मालूम नहीं है अकेलों को पांच जज उसको रिटर्न करने से दुनिया में रिटर्न नहीं होता है वो जज जीता देगा दोस्तों आप देख सकते हो ये घोड़ा प्रथम स्थान पे था लेकिन कुछ दूसरे जो सेकंड नंबर पाए उनका ओनर ने बोला आप देख सकते हो कितना शोर शराबा है एक इंसान धोखा खा सकता है सुना मेरी बात ये आपका ग्रुप सिस्टम मैं किसी को नहीं आप देख सकते हो ये विनर रहा है इस बार तो आपके सामने देख लो विजेता ये है ये जो रा
लो गल मुकी एवं ही करिए ले। देख सकते हो दूसरे दिन का विनर हॉर्स ऑस्ट्रेलियन में विनर जो आप देख सकते हो आपकी नजरों के सामने है। हैदराबाद से क्या नाम तो आप देख सकते हो ये हैदराबाद का है विनर। आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलियन है जो आज रिंग रखी गई उसमें विनर रहा फर्स्ट नंबर पे। आप देख सकते हो क्या नाम है डेकन स्टार। अच्छा डेकन स्टार जी आप ही हो इनके ओनर। फरहान भाई। अच्छा फरहान जी कहाँ से हो आप। हैदराबाद। हैदराबाद कितने कितने महीने का है ये। 22 महीने का। अच्छा 22 वाह कितने दिन हो गए इनको लाए हो यहाँ पर तो 4 दिन पहले। अच्छा किस किसका बच्चा है आप वापस बताना एक बार। ये रूबिन स्टार। रूबिन स्टार तो देख सकते हो ये रूमिन का बच्चा है जो फर्स्ट नंबर आया है। आप देख सकते हो हैदराबाद से आया खतरनाक रूप में चुना गया है ये। आप देख सकते हो रूबन स्टार का है ये। आप देख सकते हो बहुत ही खतरनाक है भारत की शान मान माने जाने वाले हॉर्स जिसके लिए हर साल प्रतियोगिता रखी जाती है पुष्कर में। तो देख लो इस बार ये निकल के आया विनर ऑस्ट्रेलियन में। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है इसका नज़ारा। हमारा तो जल्दी निकल गया था मैं बहुत ही खूब मॉर्निंग में जल्दी निकल गया था मैं तो। ये 22 महीने का है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो एक अलग ही अंदाज में एक नाम का है नाम भैया नाम घोड़े का नाम घोड़े का नाम बताया डेकन स्टार विनर रोबी स्टार का बेटा है। जो यहाँ देख लो विनर के साथ फोटो खिंचवाना स्टार्ट हो गए हैं जैसे विनर हुआ आप देख सकते हो 2021 का विनर है ये बहुत ही खूबसूरत है। लोग फोटो खिंचाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये देख सकते हो इनको देखने के लिए चारों तरफ भीड़ इकट्ठी है। अरे ऊपर सड़क है चलो।